महाराष्ट्र में हाल क्या है कोरोना का वो भी आपको बता देते हैं। एक दिन में 55,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो ये आंकड़ा 7800 रहा है। तो पिछले 24 घंटे में 55,411 मामले महाराष्ट्र में, 309 लोगों की जान गई है संक्रमितों की। इसके अलावा दिल्ली में 7,897 नए केस पिछले 24 घंटे में, संक्रमण दर 10% पार दिल्ली में। और इसीलिए दिल्ली में अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और नए दिशा निर्देशों के तहत सख्ती और ज्यादा बढ़ती जाएगी। हर जगह पर 50% क्षमता के साथ एंट्री, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, बस हो, मेट्रो हो। स्कूल कॉलेजों को पहले ही बंद कर दिया गया है, परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो आज उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं और संकेत कुछ इस तरह के मिल रहे हैं कि हो सकता है कि 7 दिन का लॉकडाउन हो। और इसके अलावा स्पोर्ट्स, त्योहार, धार्मिक जमावड़े सभी पर पाबंदी लगा दी गई है दिल्ली में। 30 अप्रैल तक इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं हो सकता और ट्रेनिंग को छोड़कर सभी स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए हैं। लगातार अनाउंसमेंट्स के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोविड-19 प्रिकॉशन मेजर में कोई भी ढिलाई ना बरतें। कोविड-19 वायरस से आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।